नमस्कार, बिजनेस टिप्स एंड ट्रिक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि हम आपके सामने बिजनेस के कुछ ऐसे टिप्स लेकर आते हैं और ट्रिक्स लेकर आते हैं जो आपके लिए जानना बेहद इंपॉर्टेंट और आपके लिए प्रॉफिटेबल साबित होते हैं। तो चलिए दोस्तों, आइए आज की वीडियो में देखते हैं किस बिजनेस के बारे में हम बात कर रहे हैं। आज हम आपको पास्ता बनाने के बिजनेस के बारे में बात करेंगे, क्योंकि पास्ता यंगस्टर युवा लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे मैगी है वैसे ही मैगी की तरह पास्ता भी बहुत ज्यादा फेमस है और उसको लोग काफी पसंद कर रहे हैं। तो इसलिए आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि आपको पास्ता का बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर लागत की बात कर लेते हैं कि आपको कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। जी हाँ दोस्तों, इस बिजनेस को आप 4 लाख रुपए की लागत से शुरुआत कर सकते हैं और कमाई पूरी तरह आपके ही हाथ में होगी। अगर आपकी सेल अच्छी है तो कमाई भी आपके हाथ में ही होगी और आप 3 से लेकर 4 हजार रुपए रोज के कमा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको किन किन चीजों की आवश्यकता होगी। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको जगह लेनी होगी जिसमें आप यह पास्ता बनाने की मशीन वगैरह सारी चीजें रख सकते हैं। अगर आपके पास मार्केट में स्पेस है या फिर आप किराए पर जगह लेकर स्टार्ट करते हैं तो यह बहुत अच्छी बात है, मार्केट में आप करोगे। यदि आपके पास स्टार्टिंग में इतना खर्चा नहीं करना चाहते हैं तो आप इस बिजनेस को स्टार्टिंग में ही घर से शुरू कर सकते हैं और तैयार माल को अपने पास रख कर या मार्केटिंग में उसे सेल कर सकते हैं। तो दोस्तों, जगह लेने के बाद आपको पास्ता बनाने के लिए एक मशीन की आवश्यकता होगी। यह एक ही मशीन है, फुल ऑटोमेटिक मशीन है जो आपका तैयार माल पूरा दे सकती है और एक आदमी इस मशीन को आराम से ऑपरेट कर सकता है और यह मशीन 3 से लेकर 4 लाख रुपए तक की मिल जाएगी। यह मशीन अलग अलग कैपेबिलिटी में आती है जिसमें आप 50 किलो दिन का तैयार कर सकते हैं पास्ता, 100 किलो दिन का भी पास्ता तैयार कर सकते हैं या फिर 200 किलो दिन का पास्ता तैयार करने की अलग अलग मशीन होती है। अगर आपका बजट कम है तो आप स्टार्टिंग में थोड़े से शुरू करिए। तो आप दोस्तों, जो मशीन 50 किलो दिन का तैयार करती है, आप वह वाली मशीन खरीद सकते हैं। मशीन लेने का एड्रेस हमने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से पता कर मशीन को खरीद सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप अकेले भी इस मशीन को ऑपरेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई भी मजदूर वगैरह या किसी वर्कर की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा यदि आपकी फैमिली में कोई फ्री है तो वह तैयार माल को पैकेजिंग कर आप इसे यदि बाहर सेल करेंगे तो वह ज्यादा पैसों में भी बिकेगा और आप अपने घर वालों की भी इसमें मदद ले सकते हैं। तो दोस्तों, इसके बाद में आपको पास्ता बनाने के लिए रॉ मटेरियल लेना होगा। वो जो इसमें रॉ मटेरियल जो इसमें मेन लगता है वो मैदा होता है, जो आपको यहाँ से 30 से लेकर 25 से लेकर और 30 रुपए किलो आराम से मिल जाता है। तो इससे तैयार सिंपल पास्ता को आप 40 से 50 रुपए किलो के हिसाब से बेच सकते हैं और आप इसके अलावा अलग अलग शेप में नूडल पास्ता बनाना चाहते हैं तो यह आसानी से बन जाएगा। बस आपको मशीन की डाई चेंज करनी पड़ेगी और उनका ऑपरेट करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, और आप यदि मसाले वाला बनाएंगे तो वह बहुत ज्यादा प्राइस बढ़ा भी देती है, तो वह मार्केट के रेट के हिसाब से आप देख सकते हैं और आप अपने प्रोडक्ट के प्राइस को भी सेट कर सकते हैं और उसे आसपास के थोक के, रिटेल के, होलसेलर के छोटी छोटी दुकानों में आप अपना माल बेच सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा आप घर घर जाकर भी यह अपने पास्ता को कम दामों में बेच सकते हैं और प्रचार के उसके लिए आप अपनी शॉप का पैम्पलेट वगैरह भी छपवा कर बाहर बंटवा सकते हैं। 3 से 4 लाख रुपए की लागत लगाकर आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। आपकी घर की महिलाएं भी इस बिजनेस को आसानी से कर सकती हैं और वह मैनेज भी कर सकती हैं। अगर आपको साइड बाय साइड कोई और बिजनेस करना हो तो आप वो भी स्टार्ट कर सकते हैं। आज की वीडियो पे बस इतना ही। लौटेंगे एक नए वीडियो एक नए टिप्स के साथ। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें और मेरी इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि हमें कुछ ऐसे ही और वीडियोस बनाने की प्रेरणा मिलती है।